तो बच्चों क्लियर दिख रहा है ना? ओके हम लोग 1.15 में आ गए भाई। एप्लीकेशन ऑफ गॉसलो, गॉसलो की एप्लीकेशन आए। हाँ समझ रहे ना? हाँ गॉसलो की एप्लीकेशन आए। ओके यस यस, लास्ट में हमने गॉसलो खत्म कर दिया भाई, बिल्कुल आपको पक्का करवा दिया था मैं। गॉसलो का इक्वेशन याद कर लो, पाई इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल डेल्टा एस, लिखना है नीचे ई डॉट डेल्टा एस, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऑल डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। समझ में आया? ओके यस और नो क्लियर? इसको गॉस लॉ बोलते हैं, हमने पढ़ चुके हैं भाई। हाँ गॉस का जो लॉ हम पढ़ने वाले थे वो पढ़ चुके हैं, अब उसकी एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का मतलब क्या है भाई? ये देखो तो भाई, गॉस लॉ की एप्लीकेशन से आप क्या फाइंड करने वाले हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन देखा बच्चा लोग, एफ अपॉन क्यू नॉट। दूसरा, फिर हमने पॉइंट चार्ज की बात की बच्चों, पॉइंट चार्ज का इक्वेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैरेट। एग्री हो? मैसेज करो एग्री ना, लाइव क्लास चल रहा है बच्चों लोग, मैसेज कर दो एग्री हो ना पॉइंट चार्ज। तीसरा हमने देखा था, अरे बहुत सारे पॉइंट चार्ज इकट्ठा हो जाए तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। तो उसमें हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको के समेशन ऑफ क्यू आई आर आई पी स्क्वायर आर आई पी कैरेट आई इज इक्वल टू 1 to n, याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? नहीं, एक एक पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड आप निकाल लीजिए, फिर सभी फील्ड को इकट्ठा कर दीजिए, समेशन कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हाँ के ना, ये कुछ नया चला रहा हूं क्या? कोई मैसेज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? अरे कर रहे हो, अच्छा ऐसे अंगूठा कर रहे हो, अच्छा ठीक है, यानी सिंबल यूज कर रहे हो, ठीक। चौथी बात, चौथी बात हमने डाइपोल की थी बेटा। डाइपोल की पोल क्या थी वो आपको क्लियर है ना? एक्सिस और इक्वेटर पे, एक्सिस पे इतना, इक्वेटर पे इतना, और कोई भी पॉइंट पे कितना, वो निकालना हम सीखे थे डाइपोल का, यानी डाइपोल का भी फील्ड देख लिया था। फिर उसके बाद किसकी फील्ड की बारी आई? हाँ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे टुकड़े करने पड़े। क्या करने पड़े? टुकड़े करने पड़े, एक टुकड़े का फील्ड फाइंड करने का, फिर सभी टुकड़े को इकट्ठा करने का। तो क्या बच्चों, इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट समेशन ऑफ, मान लो वॉल्यूम में तो रो डेल्टा वी अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह से वेक्टर करेंगे तो एक कैरेट लिखना पड़ेगा। छोटा सा एलिमेंट लो, उसकी फील्ड निकालो, फिर इन सभी फील्ड को ऐड करो, यही हुआ था ना? अगर बहुत छोटा ले रहे हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यस और नो? क्या ये पांचों पॉइंट आपको याद है बच्चों? क्या ये पांचों पॉइंट याद है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 याद होने चाहिए पांचों पॉइंट, बिल्कुल समांतः। यस बिल्कुल समांतः, यस बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब यहां पे तकलीफ देखो, ये इजी सभी इजी, ये तकलीफ वाला काम है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे और फिर उनकी फील्ड फाइंड करो और फिर फील्ड निकालो।
यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि छोटा काम होता है तो तकलीफ वाला ही काम होता है ना। यस और नो? छोटा है, बहुत छोटा, तो उसको टुकड़ा लिया, उसका टुकड़े को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की वैल्यू को ऐड करो, छोटा काम, मुश्किल वाला। तो इस मुश्किल को आसान बनाने आए कौन? गॉस लॉ। और उस गॉस लॉ के हिसाब से हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं? फील्ड। पक्का समझ में आ रही है ना जो कहानी चल रही है? मैं इतनी कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको डायरेक्टली कोई पिक्चर का क्लाइमैक्स बता दे तो क्या हुआ ये नहीं पता चलेगा। यानी आज ये क्लाइमैक्स है बच्चों, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर चल रहा है। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू हुई और किस तरह से किस रास्ते में जाई, ये मैंने आपको पूरा क्लियर किया, ठीक है? तो इसको आप याद रख लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या है भाई? आपको कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, उसके कारण फील्ड कितनी मिल रही है वो फाइंड करना है, और क्या। चलो तो पहली एप्लीकेशन देखते हैं भाई। इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले लीजिए मेरे बच्चे, इनफाइनाइट लेंथ का वायर जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज रखा हुआ है और उसके कारण फील्ड हमें फाइंड करनी है, ठीक है? चलो तो ये पहली एप्लीकेशन है एनसीईआरटी में, देख लो आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो समझ लीजिए। ये इनफाइनाइट लेंथ है, बहुत लंबा, तो इतना लंबा हम ड्रॉ नहीं करते, हम डैश डैश कर देते हैं, ठीक? अब इनफाइनाइट लेंथ वायर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सा मानता हूं मैं? पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव क्यों सोचे? पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव क्यों सोचना? कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और इसका जो लाइन चार्ज डेंसिटी है, इसका जो लाइन चार्ज डेंसिटी है, वह डेंसिटी है लैम्बडा। कितना है लाइन चार्ज डेंसिटी? कितना है भाई? लैम्बडा है। अब हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इससे कुछ आर दूरी पे, यार पोजीशन वेक्टर पे एक पॉइंट मान ले बच्चों, और हमें इस पॉइंट पी पे फील्ड फाइंड करनी है। तो कैसे की जाएगी, उसका इक्वेशन क्या आएगा, उसका यूज कैसे करेंगे सम सॉल्व करने में, वो देखने वाले हैं। आइए, तो पहला देसी तरीका तो क्या है, इसके टुकड़े करो। तो हमने एक एलिमेंट लिया इधर छोटा सा, वो रहेगा आपका लाइन एलिमेंट डीएल। कौन सा एलिमेंट लिया मैंने? डेल्टा एल भी लिख सकते हो आप, मैं लिख रहा हूं डीएल, छोटा एलिमेंट। डेल्टा एल भी लिख सकते हो, बहुत छोटा है इसलिए डीएल। अब इसमें चार्ज होगा, यस, इसका चार्ज होगा डीक्यू बराबर लैम्बडा डीएल। समझ में आया कि बाउंस गया यूनिट लेंथ में लैम्बडा चार्ज, तो डीएल लेंथ में कितना? लैम्बडा डीएल। अब ये चार्ज के कारण यहां पे क्या मिलेगी पी के पास? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं लिख रहा हूं डीई। और ये डीई का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं? ए डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना है पता नहीं है, तो मान लो इसको मैंने एक्स लिख दिया, एक्स स्क्वायर। हो गया भाई, समझ में आया? ये एंगल अपना 90 बन गया, ओके। और ये वाला जो है भाई, ये मान ले तू भाई, हम लोग भाई मान लेते हैं, पक्का। अब यहां पे आप देखोगे भाई, अगर मैं ये एंगल थीटा मानता हूं तो यहां पे मुझे ये एंगल भी थीटा लिखना पड़ेगा, और इस डी का एक कंपोनेंट साइन बनेगा और दूसरा कंपोनेंट कॉस बनेगा। क्या एग्री हो?
यस और नो, ये थीटा तो ये थीटा तो ये एडजेसेंट कॉस बनेगा, ये साइन बनेगा, एग्री हो बच्चों मैसेज करो। इतना समझ में आया? मैसेज करो। अरे लाइव क्लास में मैसेज नहीं करोगे? कर रहे हो? यस यस समझ। यानी इतना 4G फास्ट हो गया कि एक सेकंड वेट नहीं होता है, तुरंत मैसेज आना चाहिए। आप लोग टाइप करो, इतनी देर भी सर को ऐसा लग गया भी नहीं है। पर ठीक है, चलो आइए। अब क्या होगा? अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना है सर। अब इसका लाइन इंटीग्रेशन करना है ऊपर से नीचे, और आपको टोटल फील्ड मिल जाएगी। यही करना पड़ेगा ना। बट आप ध्यान से एक बात समझिए, मेरी बात समझिए। यहाँ पे इसके अपोजिट, इस लाइन के अपोजिट वाई डिस्टेंस पे अगर मैंने सेम एलिमेंट ले लिया, वाई डिस्टेंस पे अगर मैंने सेम एलिमेंट ले लिया डीएल, ठीक है, तो उसका भी चार्ज इतना ही होगा और उसकी भी फील्ड डीएई उतनी ही होगी। ठीक है, ये वाई और ये आर, ये 90, तो साइड एंगल साइड हो गया, तो ये एंगल भी क्या लिखा जाएगा? थीटा। तो यहाँ पे पी पॉइंट के पास बच्चों ये एंगल भी थीटा हो गया, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका? डी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा डी साइन थीटा। अब ऐसा क्यों करा मैंने, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, जब सिमेट्री प्रॉपर्टी आ जाती है, सिमेट्रिक मेथड बनती है, तब आपको अंधाधुन इंटीग्रेशन नहीं करना है, आपको थोड़ा सबर करना है और ध्यान से देखना है कि इसके जैसा ही एलिमेंट अगर सामने होगा तो उसकी फील्ड का जो ये कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल। हाँ के ना, यस और नो? तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पे जानने को मिलेगा, अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो बच्चों इसकी फील्ड और इसकी फील्ड दोनों ऐड होंगी, उस एडिशन में ये दोनों ऑपोजिट होंगे और इन दोनों को सेम डायरेक्शन है, तो ये कैंसल करेंगे एक दूसरे को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वायर। पहला पॉइंट ये समझ में आया इनफाइनाइट वायर के केस में। ऐसा मत पूछना सर फाइनाइट क्या होगा तो क्या होगा, वो लास्ट में बता, अभी इनफाइनाइट का दे। इनफाइनाइट वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वायर, आके ना क्लियर? वाई डायरेक्शन, पैरेलल वाले तो कैंसिल हो रहे हैं, ओनली परपेंडिकुलर फील्ड मिलेंगे। दूसरी बात ध्यान से देखो, यहां पे हमने आर दूरी पे जो पॉइंट लिया वही पॉइंट आर दूरी पे इधर लेता E-dash, तो क्या फील्ड सेम मिलती? हाँ के ना, सेम इधर, यस और नो? मैसेज करो। हाँ के ना, यस समझ में आ रही है बिल्कुल। अरे लगेगा ऐसा बहुत कुछ बता रहे हैं सर, पर बहुत कुछ बताना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं कूद के गए, उन्होंने बताया कि भाई आप इतने स्मार्ट हो तो आपको थोड़ा सा बताने में समझ में आ जाएगा क्योंकि आप स्मार्टफोन यूज करते हो। क्या यूज करते हो? स्मार्टफोन यूज करते हो, ऐसे आप बता सकते हो भाई लाइट गई है। चलो तो बच्चों ये क्या हुआ, नेटवर्क इश्यू आया, वाईफाई गया, लाइट गई, अब आ गई। चलो पढ़ते हैं हम लोग, आगे करते हैं बात। अब देखो दूसरा मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अभी तक रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए आप चिंता मत करना, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ये पी पॉइंट है भाई, पी पॉइंट पे फील्ड परपेंडिकुलर में, तो पी डैश पे भी परपेंडिकुलर ही मिलेगी, वही प्रोसेस। ये ऊपर नीचे वर्टिकल कैंसल, यानी पैरेलल टू वायर कैंसल, और परपेंडिकुलर आपको फील्ड मिलेगी, तो यहाँ पे भी फील्ड सेम रहेगी इसके जितनी मैग्नीट्यूड में। अब बताओ मैं अगर एक आर डिस्टेंस पर इधर पॉइंट लूँ तो फील्ड कितनी रहेगी? इतनी ही रहेगी ना,
अगर आर इधर लो, आर इधर लो, यानी आप वायर से आर डिस्टेंस पे कहीं पे भी जाओ तो फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा, यस, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम वायर इन ऑल डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। तो मैं यहां पे आपको एक सर्कल ड्रॉ करके बता देता हूं, ये वाला, ये आर रेडियस का सर्कल मैंने बनाया, इस सर्कल के हर पॉइंट पे फील्ड सेम रहेगी। बोलो हाँ के ना, बोलो समझ में आया कि नहीं है। तो ये डायग्राम मैंने समझाया आपको सिर्फ ये दो बातें बताने के लिए। बोलो क्लियर हुई? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चल अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते हैं ड्यू टू दिस वायर इनफाइनाइट लेंथ। अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी तक भाई समझा रहे थे, अब डिराइव करते आइए। ये हमने वही वायर ड्रॉ किया जो अभी ड्रॉ किया था, थोड़ा सा मोटा पतला हो गया हो तो चिंता नहीं करना, वही लाइन चार्ज डेंसिटी रहेगी भाई। जिसको हम लेमड़ा बोलते हैं, ठीक है। अब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर दूरी पे पी पॉइंट है, अगेन वही बात है भाई, यहाँ पे फील्ड ढूंढनी है हमें। तो मैं आपको तीन स्टेप में करवा दूंगा, चिंता मत करिए। स्टेप वन, गॉस लॉ तो आपको आता है ना भाई। स्टेप वन में आप एलएचएस निकालिए, स्टेप टू में आरएचएस निकालिए, स्टेप थ्री में एलएचएस बराबर आरएचएस कर दीजिए। यानी ये गॉस लॉ जो है ना, उसकी एलएचएस निकालेंगे, फिर आरएचएस निकालेंगे और एलएचएस बराबर आरएचएस करेंगे तो ई मिल जाएगा। बोलो समझ में आई? तीन स्टेप लिखो, नोट करो। पहले पहली स्टेप नोट करो, फाइंड एलएचएस यूजिंग दिस। ओके, सेकेंड स्टेप लिखो, फाइंड क्यू अपॉन एफ आरएचएस यूजिंग क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और उसमें क्यू क्या होगा, लैम्बडा एल सिग्मा एस रो वी, याद आ रहा है आके ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइन चार्ज लैम्बडा क्यू बाई लेंथ, सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया एंड रो चार्ज अपॉन वॉल्यूम। समझ में आ रहा है ना? यानी सेकेंड स्टेप में हमें चार्ज फाइंड करना है, ये तीन लगा के कोई भी यूज हो सकता है, हम ये वाला करने वाले हैं पहले, ठीक है। थर्ड स्टेप लिखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाई इक्वेटिंग एल एच एस एंड आर एच एस, लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर कर दीजिए ये वाला, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बोलो तीनों स्टेप लिखी सबने? अरे मैसेज करो बच्चों, तीनों स्टेप लिख ली क्या आप लोगों ने? लिख ली क्या कि बाकी है? लिख ली, यस, ठीक है। तो एल एच एस से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एल एच एस अपना रहता है फ्लक्स, एलएचएस में ये फ्लक्स है भाई, ये फ्लक्स मैं लिख रहा हूँ फाइव वन। अच्छा, फ्लक्स फाइंड करने के लिए, गॉस लॉ लगाने के लिए आपको गॉसियन सरफेस तो चाहिए ना, तो मैं इस वायर को एनक्लोज करने के लिए, मान लो ये आपके पेन की रिफिल है, तो पेन की रिफिल को एनक्लोज किससे किया गया है, कौन से शेप से? तो भाई सिलिंड्रिकल शेप से किया है सर, यस और नो? जिसकी लेंथ कितनी है भाई, एल, समझ में आया? जिसकी लेंथ कितनी है भाई, एल, और रेडियस कितनी है, आर।
अब इस पे आप अलग अलग सरफेस निकालिए क्योंकि ऑल डेल्टा एस करना है। तो मैं आपको बता दूं, सिलेंडर में तीन सरफेस आपको दिखेंगे जिसका एरिया आपको पता होगा। पहला सरफेस है ये सर्कुलर वाला, यहाँ पे पूरा। दूसरा है भाई ये सर्कुलर, और तीसरा है सिलिंड्रिकल। समझ में आया? कितने सरफेस हो गए? तीन। तो तीन सरफेस के साथ तीन फ्लक्स हम लिख देते हैं, तब हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा। कैपिटल फाइव लिखो तो भी चलेगा। ओके, तीन सरफेस के, 1, 2 एंड 3। चलो बताओ पहले सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, मैसेज करो। इस इक्वेशन से फाइंड करोगे पहले सरफेस का। यस, राइट आंसर निहारिका का आंसर आ गया 0। क्यों भाई? तो क्योंकि पहले सरफेस का एरिया इधर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वायर से परपेंडिकुलर निकल रही है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। और अगर 90 हुआ तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। चलो बताओ सेकंड सरफेस का कितना होगा, सेकंड का फ्लक्स बताओ जल्दी से, मैसेज करो। यस, अब समझ में आ गया। स्नेहा का आंसर 0 है, मीत, निसर्ग, सभी आंसर, अमतुल्ला, देव, सभी का आंसर 0 आ रहा है। मैंने भी लिख दिया 0। ठीक है, क्यों? अगेन यहाँ पे फील्ड परपेंडिकुलर ही जाएगी भाई, और परपेंडिकुलर हुआ यहाँ पे 90 हुआ तो कॉस 90 डॉट प्रोडक्ट में आंसर आपको 0 देने वाला है। तो भाई रहा कौन? तीसरा सरफेस। तीसरा सरफेस की आप बात करो तो उसका एरिया परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। भाई एक ही ड्रॉ करो तो चलेंगी, तीन तीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बता रहे हो? बात तो वही है। ठीक है, तो इसकी ये जो फील्ड है भाई, ये फील्ड आ गई इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में। आप लिखोगे ई समेशन ऑफ डेल्टा एस कॉस 0 1। हाँ के ना, कॉस 0 1 ई एज इट इज डेल्टा एस का टोटल। यहाँ पे ये छोटा डेल्टा एस हमने लिया, इसका टोटल आप करोगे तो सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया मिलेगा। अब बताओ एक सिलिंड्रिकल सरफेस है जिसकी रेडियस आर है और लेंथ एल है, तो उसका ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है, ये जो बन रहा है सिलिंडर, इसका एरिया कितना? यस, निसर्ग का आंसर राइट है, 2πr l। 2πr सर्कमफेरेंस, एल लेंथ तक, तो 2πr l। ये बच्चों हो गई हमारी LHS। स्टेप टू, RHS निकालेंगे। RHS रहेगी Q अपॉन एप्सिलॉन 0। कितना चार्ज ये एनक्लोज करेगा भाई? यूनिट लेंथ में लैम्बडा है तो एल लेंथ में कितना होगा? लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, ये 1 और ये 2। तो स्टेप 3, LHS इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लिखना है आपको। मैं तो ये तो ऐसे ही मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, पर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। सो ई इंटू 2πr l इज इक्वल टू लेमड़ा एल बाई एप्सिलॉन 0। एल मरेगा तो आंसर आएगा लेमड़ा की अपॉन 2π ε0 इंटू आर। क्या आंसर आया देखो तो? बोला आ रहा है आंसर? हाँ कि ना, यस और नो? समझ में आ रहा है? E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2π ε0 r। कैसे आया? LHS लिया, RHS लिया, दोनों को इक्वेट किया, E मिल गया। ठीक है, ओके। अब बच्चों एक और बात, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में आप ई वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2π ε0 इंटू आर इंटू एन कैरेट, क्यों
ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वायर है भाई, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग एन कैरेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एन कैरेट। आया समझ में? बोलो क्लियर ना। एलएचएस को आरएचएस के बराबर कर दो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। इतना प्रोसेस भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपको पता तो लग जाएगा। ये दोनों फ्लक्स जीरो, इसका फ्लक्स कितना होगा? फील्ड ई इनटू सरफेस एरिया 2πRL, ये आ गया बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बेटा लैम्डा एल हो जाएगा, क्योंकि यूनिट लेंथ में लैम्डा, तो एल लेंथ में कितना? लैम्डा एल होगा। चलो ठीक, चलो हाँ के ना। डन ना, ओके, यस, बिल्कुल डन। अच्छा, अब इसका एक शॉर्टकट तरीका देखिए। यहाँ पे आपको पता है k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, होता है कि नहीं होता है? हाँ के ना, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ये भी क्वेश्चन होगा, ऐसा क्यों सोच रहे हैं सर? तो इसका मतलब समझिए, ऐसा क्यों सोच रहा हूं मैं, समझना है आपको। क्योंकि अगर आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी ना, 1 upon 8.854 × 10^-12। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, इसको के से रिप्लेस कर दो, के की वैल्यू सिंपल 9 × 10^-9। समझ में आया? पर यहां तो 2 है भाई, तो मेरे को 2 लाना है, मेरे को सिर्फ 2 लिखना है, एक 2 जो मैं सामने ले लेना पड़ेगा। तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखा जाएगा? 2 के। तो आपको e मिलेगा बच्चों, 2 के लैम्डा बाई आर इंटू एन के रेट। क्या समझ में आया? अगर सम सॉल्व करना है तो ये इक्वेशन यूज करना है, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये भी है अपनी जगह सही है, बट ये जल्दी आंसर आपको लाके देगा, सोचो जल्दी लाके देगा, बहुत जल्दी। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में थोड़ी। तो बच्चों क्लियर दिख रहा है आपको? और ये हमारा हो गया वायर। हम देखो इसकी थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। बढ़िया बढ़िया, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इनफाइनाइट लेंथ वायर जो है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इक्वेशन जो आया उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं, और शॉर्टकट भी बता देता हूँ आपको इसका, यानी बोर्ड लेवल एमसीक्यू या जेईई नीट में कहीं पर अगर ये आ रहा है तो आपको तुरंत याद आएगा ऐसा भी शॉर्टकट। हाँ यस, निहारिका को याद है शॉर्टकट, पहले पढ़ चुकी है और याद भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इनफाइनाइट लेंथ का हमारा इक्वेशन आ रहा है बच्चों, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू एन कैरेट, और वी कैन राइट 2 के लैम्डा बाई आर इनटू एन कैरेट। इसको याद रख सकते हैं हम लोग, लैम्डा को 2 पाई ईयर है भाई, लैम्डा को कान है भाई, कितने कान है? 2 पाई कान है, लैम्डा को 2 पाई ईयर है। बोलो याद रहा? हाँ के ना, रिफ्लेक्शन आ रहा है थोड़ा सा, बंद करते हैं दरवाजे। बोलो याद रहा के नहीं? लैम्डा को कितने ईयर है भाई? हमारे पास 2 ईयर है, पर लैम्डा भाई थोड़ा सा मजेदार पर्सनालिटी है, तो उसको थोड़े से ज्यादा ईयर मिल गए हैं। कितने ईयर मिल गए हैं? 2 पाई। समझ में आई बात? समझ में आई? लैम्डा को कितने ईयर हैं बच्चों? 2 पाई ईयर। दूसरी एक और बात आप देखिए यहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि लैम्डा ऊपर है तो उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा के प्रोपोर्शन में रहेगा, यानी उस वायर पे आपने चार्ज ज्यादा रख दिया पर यूनिट लेंथ, तो क्या होगा? फील्ड बढ़ जाएगी। अगर आपने पर यूनिट लेंथ चार्ज कम कम कर दिया, थोड़ा थोड़ा कर दिया, तो फील्ड कम हो जाएगी। ओके,
दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये बात इंटरेस्टिंग ये बताती है भाई, इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये रहता है कि जैसे आप इनफाइनाइट लेंथ के वायर से दूर जाते जाओगे, फील्ड की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, फील्ड की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। बोलो समझ में आया? यस यस। तो बिल्कुल E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें हम ग्राफ बनाए बच्चों, ग्राफ बनाते हैं फील्ड वर्सेस लैम्ब्डा, तो बताइए कैसा मिलेगा फील्ड वर्सेस लैम्ब्डा, बताओ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट, यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है यानी स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा। बिल्कुल सर। और दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, तो क्या ये स्ट्रेट मिलेगा? नहीं, ये तो इनवर्स है भाई, तो घटेगा। अब घटा तो मैं रहा हूं पर थोड़ा कम घटाऊंगा, क्योंकि 1/r है, आर का स्क्वायर होता तो ज्यादा घटाते, कब मिलेगा? बट एक बात आप नोट कीजिए, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे टच होके स्टार्ट हो रही है, बट यहाँ पे ना यहाँ टच होगी या ना वहां अंत में टच हो। रीजन, अगर आर जीरो है तो ई कहाँ चली जाएगी भाई? इनफाइनाइट। और अगर ई इनफाइनाइट है तो कहाँ पे टच होगी हमें क्या पता? इसी तरह से अगर ई जीरो है आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट आर कहाँ है हमें क्या पता, तो टच करना नहीं है। बोलो समझ में आया बच्चों? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। चलो क्लियर हुआ ना? अब आपको इनफाइनाइट लेंथ आ गया तो अब एक दिमाग में बात ये भी थोड़ी सी रह जाएगी, लैम्ब्डा को 2π r थे पर इनफाइनाइट में, पर सर अगर फाइनाइट लेंथ वायर हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? चलो तो इसको भी आपको बता देते हैं, पहले ड्राइंग बनाते हैं फिर। देखो एक फाइनाइट लेंथ का वायर ले लो, ठीक है, जो अलोंग द एक्स एक्सिस है और इससे परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है, वो कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन। क्लियर है? अब इस पे लाइन चार्ज डेंसिटी वही अपनी लैम्ब्डा, ये तो लैम्ब्डा ही है। इस बार इसकी लेंथ आपको फिक्स कर दिए, अभी तो इनफाइनाइट थी, अभी फिक्स कर दी। वो इनफाइनाइट वाला हमने खड़ा ड्रॉ किया था, इनफाइनाइट वाला हमने खड़ा ड्रॉ किया था, ये फाइनाइट वाला मैंने थोड़ा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया। अगर वो करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिक सेट होता है, यानी जिससे आपको याद रखने में सरलता रहेगी। अब देखो वही तरीका है, पहले यहाँ पे टुकड़ा लीजिए, उसका चार्ज निकालिए, फिर उसकी फील्ड, फिर उसका एक कंपोनेंट एक इधर, सिमिलरली इधर रहेगा, यानी ये डायरेक्शन, समझ में आ रहा है? बट ये पॉइंट एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है कि नहीं है, इसलिए यहां पे से जो एंगल बन रहा है मान लो थीटा वन है, और यहां पे जो एंगल बन रहा है भाई तो मान लो थीटा टू है भाई, थीटा वन और थीटा टू। क्लियर के नहीं? ओके, समझ रहे हो मेरी बात? थीटा वन और थीटा टू है भाई। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मिलेंगे आपको, एक ई वाई डायरेक्शन में, दूसरा ई एक्स डायरेक्शन में। अब वो मिलेंगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हो, मैंने तरीका बताया आपको, ई एक्स और ई वाई की वैल्यू लिखना हमें याद रखना है। ये होगा बेटा k लैम्ब्डा बाई r इनटू द ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और ये हो जाएगा k लैम्ब्डा बाई r
साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, ये इंटीग्रेशन होगा बेटा एक्स और वाई दोनों के। डीई ले लो के पहले, तो देखो यहाँ इसको एंगल को जो आपने थीटा वन लिखा है इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, डी कॉस थीटा वन डी साइन थीटा वन, फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट इस तरह से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ओके। बट डायरेक्टली आप ये दो इक्वेशन याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अब एक लॉजिक आपको देता हूं, ये सही है कि नहीं वो कैसे, तो भाई इनफाइनाइट लेंथ हो, अगर इनफाइनाइट लेंथ हो तो जो थीटा वन है वो थीटा टू है वो 90 हो जाएगा। कैसे, देखो ये मेरा सिर है मान लो यहाँ पे पी पॉइंट है, और ये फाइनाइट लेंथ है, ये वायर फाइनाइट लेंथ है। अब वायर इनफाइनाइट लेंथ बढ़ता जाता है, ये वायर नहीं है ये जो लाइन है, अगर वायर लंबा होता जाए, पहले मान लो इतना सा वायर है तो मेरे हाथ ऐसे, फिर वायर इस रूम जितना हो गया तो मेरे हाथ ऐसे चले गए, और फिर वायर बहुत दूर लंबा हो गया तो इनफाइनाइट हो गया, तो एंगल कितना बन गया पाई बाई टू। अब देखो पाई बाई टू अगर आपने रखा तो ई एक्स कॉस 90 जीरो कॉस 90 जीरो, तो एक्स कंपोनेंट जीरो, और वाई कंपोनेंट देखो क्या आएगा साइन 91 साइन 91 वन प्लस वन टू, यानी टू के लैम्डा बाय आर आ गया। हाँ के ना बच्चों, क्या आ गया टू के लैम्डा बाय आर, समझ में आ रहा है ओके बिल्कुल क्लियर, टू के लैम्डा बाय आर आया। हाँ के ना समझ में आया कि नहीं, ये फाइनाइट लेंथ की बात है भाई। यस तो बिल्कुल इसको स्टोर कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आप आगे कंप्लीट करेंगे इसको और चलेंगे, बट ये बात आपको याद रखना है, आपका होमवर्क एनसीईआरटी में से कर लेना है बिल्कुल, और एक्सरसाइज में इसके सम्स हैं वो भी आप कर लीजिए, लगा लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो।